गाइस वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर सिविल। इस चैनल पे हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सिलेबस के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, प्लस एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम अपनी इरीगेशन सीरीज़ की जो हमारी वीडियो चल रही है उसी को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे लेसी थ्योरी की। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देखें। हम अपनी ऑनलाइन कैनाल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने कौन सी देखी थी? कैनेडी थ्योरी देखी थी। अब हम देखेंगे लेसी थ्योरी। तो लेसी थ्योरी में हम देखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। लेसी स्टेबलाइज अ रेजाइम थ्योरी पॉपुलरली कॉल्ड अ लेसी सिल्ट थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी ही ऑब्जर्व दैट इवन इफ अ कैनाल इज नाइदर सिल्टिंग और स्कोरिंग इन नेचर टेम्परली, इट मे नॉट बी इन अ स्टेट ऑफ परमानेंट स्टेबिलिटी। तो अगर आपका कैनाल नहीं तो सिल्टिंग हो रहा है ना स्कोरिंग हो रहा है उसमें, ठीक है, कुछ समय के लिए मतलब टेम्परली, तो ज़रूरी इट मे नॉट बी, तो ज़रूरी नहीं कि वो परमानेंट स्टेबल हो, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। बेस्ड अपॉन हिज ऑब्जर्वेशन ही क्लासीफाइड द वेरियस टाइम द रिजाइम कंप्रोमाइजिंग दैम विद एन आइडियल रिजाइम और अ टू रेजाइम। तो हम टू रेजाइम के लिए इसने कोई कंडीशन दी थी, हम वो देखते हैं। लेसी ने हमारी टू रेजाइम के लिए कंडीशन दी थी, हम वो देखते हैं इसमें। टू रेजाइम फॉर द कैनाल टू बी इन अ टू रेजाइम कंडीशन द फॉलोइंग कंडीशन आर टू बी सेटिस्फाई। अगर कैनाल को हमारे टू रेजाइम में होना है तो ये वाली कंडीशन है जो लेसी ने हमें दी थी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं डिस्चार्ज इज़ कॉन्स्टेंट, मतलब जो पानी का डिस्चार्ज है कैनाल में वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड क्या होता है? सिल्ट ग्रेड, सिल्ट ग्रेड मतलब टाइप्स और साइज ऑफ सिल्ट, ठीक है, ये भी इक्वल होने चाहिए। थर्ड हम बात करते हैं सिल्ट चार्ज, सिल्ट कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। फिर फोर्थ हम बात करते हैं इट इज़ ट्रांसपोर्टिंग सिल्ट ऑफ सेम कैरेक्टर एज अ मटेरियल ऑफ कैनाल, मतलब जो उसमें सिल्ट बह रही है वो सेम होनी चाहिए जिस मटेरियल से, मतलब जिस सिल्ट मटेरियल से आपका क्या बना है कैनाल। तो ये हमारी फोर्थ कंडीशन थी। अब हम देखते हैं अपनी फिफ्थ कंडीशन। द कैनाल इज फ्लोइंग यूनिफॉर्मली इन अ इन्फिनाइट एलिवल सॉइल ऑफ नॉन कोहेसिव नेचर और इनकोहरेंट इन नेचर, मतलब जो कैनाल में आपकी इन्फिनाइट एलिवल सॉइल बह रही है जो कि नॉन कोहेसिव नेचर की है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स पॉइंट, हम देखते हैं द रिजाइम कंडीशन इंडिकेट अबव आर नोन एज अ टू रिजाइम कंडीशन विच आर आइडियल कंडीशन फॉर स्टेबल कैनाल। दिस कंडीशन आर कॉरस्पॉन्ड टू अ थ्योरेटिकल कंडीशन एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो ये जो सारी है, जो सारी कंडीशन आपने ऊपर लिखी है वो खाली एक थ्योरेटिकल कंडीशन है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब एक बात बताओ, क्या आपकी डिस्चार्ज पानी कैनाल में हमेशा कांस्टेंट रह सकता है? तो ये नहीं कांस्टेंट रह सकता, तो इसलिए ये एक इमेजिनरी कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडियल शेप ऑफ आइडियल कैनाल, ठीक है। आइडियल शेप क्या होनी चाहिए ऑफ आइडियल कैनाल की? तो हम देखते हैं लेसी पोस्टुलेट दैट आर टू और आइडियल रेजाइम कैनाल इज सेमी एलिप्टिकल इन क्रॉस सेक्शन, मतलब जो आइडियल रेजाइम आपका चैनल होता है वो क्या होना चाहिए? सेमी एलिप्टिकल होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर अ कोर्सर सिल्ट द चैनल इज वाइडर एंड शेलोअर। तो कोर्सर सिल्ट मटेरियल के लिए, जो आपका कोर्सर सिल्ट मटेरियल है उसके लिए चैनल आपका कैसा होना चाहिए? वाइडर, मतलब ऊपर से तो वाइडर और नीचे से आपका
डेप्थ क्या होनी चाहिए, शैलो, मतलब शैलो डेप्थ और वाइडर फ्रॉम टॉप, ठीक है, ऊपर से वाइडर नीचे से शैलोअर, मतलब कम डीप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, फॉर अ फाइनर सिल्ट द कैनाल इज नैरोअर एंड डीपर, ठीक है। अगर हम फाइनर सिल्ट की बात करते हैं तो उसके लिए हमारी जो कैनाल है वो कैसी होनी चाहिए, डीपर और ऊपर से कैसी, नैरो, ठीक है, मतलब ये डीप ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कोर्स, कोर्स से ये वाली जो होगी आपकी वो डीप ज़्यादा होगी और ऊपर से कैसी होगी, नैरो होगी। नेक्स्ट देखते हैं, फिर हम देखते हैं इसमें पढ़ते हैं, हाउएवर अ लेसी डिड नॉट प्रोवाइड एनी इक्वेशन फॉर सेमी इलिप्टिकल डिज़ाइन एज पर द लेसी इज डन कंसिडरिंग द कैनाल टू बी ट्रेपेजॉइडल इन क्रॉस सेक्शन। तो सेमी इलिप्टिकल के लिए उसने कोई हमें डिज़ाइन नहीं दिया था, हम क्या करते हैं ट्रेपेजॉइडल मान के ही, जो हम कैनेडी में मान रहे थे वही मान के हम इसमें डिज़ाइन करते हैं। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान सिंपल थ्योरी है। तो ये देख सकते हैं हम, जैसे मैंने क्या फाइन फाइन के लिए क्या बताया था कि डीपर होगा और ऊपर से कैसा होगा, नैरो, और वहीं अगर मैं कोर्स की बात करूँगा कोर्स के लिए क्या होगा, शैलो डेप्थ होगी और वाइडर होगा किससे, टॉप से, और अगर मैं मीडियम मीडियम सिल्ट की बात करूँगा तो वो ये वाला है। तो आप बना सकते हैं इसे, सिंपल है, ये आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें डिज़ाइन स्टेप देखते हैं हम। पहले हम क्या निकालते हैं इसमें, सिल्ट फैक्टर निकालते हैं एफ, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल 1.76 अंडर रूट डी एम एम, ठीक है, ये क्या है आपका डाई ऑफ पार्टिकल इन एमएम, ये क्या है आपका डाई ऑफ पार्टिकल इन एमएम, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, वी निकाल लोगे, वेलोसिटी, तो वी क्या होती है आपका क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 140 की पावर 1/6, ठीक है, इससे आप क्या निकाल लोगे, वी निकाल लोगे। फिर अगर अगर हमें डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया आपका, एरिया बाय वेलोसिटी, तो क्यू इज इक्वल टू ए बाय वी। ये सिंपल आपके कुछ डिज़ाइन स्टेप है। फिर पैरामीटर कितना होता है, पी इज इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू, तो आप ये सारे स्टेप लिख सकते हैं। फिर अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, एफ की पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 3340 क्यू की पावर 1/6, ठीक है। तो ये फॉर्मूले होते हैं, ये आप फॉर्मूले लिख सकते हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या होता है, एफ क्या होता है तुम्हारा सिल्ट फैक्टर, डी क्या होता है एवरेज पार्टिकल डाया इन एमएम, वी क्या होता है तेरा तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, ए क्या होता है वेटेड एरिया इन मीटर स्क्वायर, पी क्या होता है वेटेड पैरामीटर इन मीटर, क्यू क्या होता है तुम्हारा डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकंड, आर क्या होता है तुम्हारा हाइड्रोलिक रेडियस इन मीटर, एस क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप या बेड स्लोप। तो आप ये फॉर्मूले लिख सकते हैं, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो इसी स्टेप से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना लेसी के ऊपर भी, ठीक है। तो चलो गाइस, हम आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, कल हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, लेसी थ्योरी पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, तो वो एक क्वेश्चन आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगी, और एग्ज़ाम में आपके इन्हीं में से पूछे जाते हैं, जैसे सिल्ट फैक्टर पूछ लिया, वी एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया है,
पैरामीटर पूछ लिया है, ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला पूछ लिया है। तो फार्मूला आपके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके सारे फॉर्मूले आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, फिर हम इतना ही रखते हैं आज। थैंक यू।